अरे कृष्णा, बड़ी ही खुशी की बात। हम सभी को जिस समय का इंतजार था, हम सभी लोग बड़े ही बेसब्री से जिस समय का इंतजार कर रहे थे कई वर्षों से, भगवान की कृपा से आज उस समय उपस्थित हो चुका है। जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री आने वाले 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करने के लिए जा रहे हैं। मतलब भगवान के मंदिर का, भगवान के भव्य मंदिर का नींव रखने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है। परंतु कुछ लोग प्रश्न उठा रहे हैं, मंदिर की क्या आवश्यकता? भगवान तो हर जगह रहते हैं। हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेजेस बनाओ। बनाओ ना भाई, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, जो बनाना है बनाओ, लेकिन भगवान का मंदिर नहीं बनना चाहिए। कहते भगवान हर जगह है तो मंदिर की क्या आवश्यकता। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आपको मालूम है हमारे वातावरण में 4% पानी है। कितना परसेंट? 4%। फिर आपको कुएं के पास जाने की क्या आवश्यकता? आपको नल के पास जाने की क्या आवश्यकता? करो और पानी पी लो। पी सकते हैं? नहीं पी सकते। तो जैसे आपको पानी हमारे वातावरण में उपस्थित है, लेकिन हमें उसे ग्रहण करने के लिए, पीने के लिए, या तो कुएं के पास अथवा नल के पास में जाना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान हर जगह पर उपस्थित हैं, परंतु उन्हें साकार रूप में दर्शन करने के लिए, साकार रूप में विराजमान दर्शन करने के लिए हमें भगवान के धाम, भगवान में, मंदिर में जाना ही होगा, ताकि हम भगवान का दर्शन विग्रह रूप में कर सकें। और रही बात हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल अपने स्थान पे बन ही रहे हैं, कॉलेजेस अपने स्थान पर बन ही रहे हैं। आप ऐसे कर्म करो कि आपको हॉस्पिटल जाना ना पड़े, है ना? इसलिए आप डेली मंदिर जाओ ताकि आप हॉस्पिटल जाने से बच सको। हरे कृष्णा, जय श्री राम।